चुनाव के अंतिम दौर पे अभी मात्र 24 घंटे के बाद में चुनाव प्रचार थम जाएगा और हम इसको लेकर यहाँ की जनता बुरहानपुर विधानसभा में किस पे भरोसा करती है हम जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इनसे बात करते हैं। चुनाव होने वाले कैसे आदमी को पसंद करें, कैसे कैंडिडेट को पसंद करें? भाई हम ऐसे कैंडिडेट को पसंद करें जो बुरहानपुर का विकास करे, जो बुरहानपुर के विकास में कार्य बढ़ाए और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाए और युवाओं को रोजगार दे, ऐसे विधायक को चुनना चाहेंगे। अब वो किसी भी पार्टी का रहे, हम पार्टी से विलोम नहीं करते, कोई भी पार्टी रहे उससे कोई मतलब नहीं हमें, पर विधायक ऐसा होना चाहिए जो बुरहानपुर को गतिशील कार्य दे। भेलपुर चलाने वाले करीबन 10 साल से भेलपुर कमलटा की चौराहे में चला रहे हैं, इनका 25 साल से चला रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका भरोसा किस पर है। भैया अभी चुनाव होने वाले, आपका भरोसा किस पर है? कमल पर है, कमल का फूल। क्यों ऐसा? चर्चा में ज्यादा चल रहे हैं अभी, चर्चा में ज्यादा चल रहा है। हां, कमल का फूल है। क्या सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उसका फायदा मिलेगा सरकार को? हां मिलेगा ना, पब्लिक को मिलेगा ना। चरम पर है मतलब चुनाव का शोर, आप किस पे भरोसा जता रहे हैं, कैसा कैंडिडेट को भरोसा करेगा? जी सर, जो बुरहानपुर का काम करने वाला हो इस पर भरोसा करेंगे। कैसा मतलब? अभी तो देखो भाजपा से अर्चना चुके थे, निर्दलीय हर्षवर्धन सिंह चौहान खड़े हैं। नहीं मैडम जी काम करते हैं ज्यादा, मैडम जी काम करते हैं ज्यादा। अभी जो चुनाव होने वाले वही दिन बचे है, बिल्कुल चरम पर है चुनाव शोर करने वाला भी, आप किस पे भरोसा करते हो, कैसे कैंडिडेट पे भरोसा करते हैं? जो व्यक्ति काम करेगा वो कैंडिडेट बनेगा। जैसे अभी हर्षवर्धन सिंह चौहान खड़े हैं भाजपा से, चार लोग खड़े हैं बुरहानपुर के अंदर जो मेन दावेदारी रखते हैं, चारों में से सबसे अच्छा जो काम करेगा उसको हम लाएंगे और हमारे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, हम ट्रक को लाने की तैयारी में हैं, हर सुबह ही आएंगे और फूलों में आ रहे हैं, चिंता मत करिए, कोई किसी का किंतु परंतु है ही नहीं, ट्रक को ही आना है। ठीक है, यहाँ तो ट्रक की बात चल रही है कि हर्षवर्धन सिंह चौहान जो है उन पे ही भरोसा कर रहे हैं। आप दूसरे आदमी से बात करते हैं, भैया आप युवा हो, सरकार तो चाहेंगे, आप कैसी सरकार चाहोगे, कैसे कैंडिडेट पे भरोसा करेंगे? जो काम करे, कैसा काम करेगा? मतलब अभी चार लोग, तीन लोग खड़े हैं भाजपा से, अर्चना चौधरी खड़ी, हर्षवर्धन सिंह चौहान खड़े हैं और कांग्रेस से सुरेश सिंह सेरा खड़े हैं, कैसे आदमी कैसे भरोसा है आपका मन? अभी तो किसी पे भी नहीं बोल रहा है, मुझे बताइए कि जैसे अभी मतदान का समय बहुत नजदीक आ गया है, सोमवार को मतदान होना, आप कैसे कैसे उम्मीदवार को पसंद करेंगे या आपके क्या देख के भरोसा करेंगे? देखिए अभी चुनाव एकदम अपने पूरे उरूस पर है, पूरे अपने शबाब पर है और मुझे लगता है कि 15 तारीख की शाम को ये प्रचार खत्म हो जाएगा और आम आदमी अपना मन बना चुका है कि उसे कहाँ पर मतदान करना है और एक पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू में बताओ आपको तो वो मतदान करने वाली है विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर, आने वाले भविष्य को लेकर वो अपना भविष्य कहाँ पर सुरक्षित मानती है उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आम आदमी मतदान करने वाला, ऐसा मेरा मानना है। आम आदमी का ऐसा कि विकास के मुद्दे पे मतदान करेगा, ऐसा इनका सोच है। बताइए कि इनके अभी चुनाव में बस जोर शोर खत्म होने वाला है, 17 को मतदान होगा, आप कैसी सरकार चाहेंगे और कैसे आदमी पे भरोसा, कैसे कैंडिडेट पे भरोसा करेंगे? भाई कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की बात सुने, ये नहीं कि जीतने के बाद दोबारा हम लोग परेशान हो, है ना, वो आम जनता की जो परेशानियां उसको महीने की महीने एक टाइम बना ले कि हम आम जनता आएगी तो हम उनकी बात सुनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जीतने के बाद ये नहीं कि हाँ भाई हम जीत गए फिर वो कोई हम जाए लाइन में लगे रहे कोई हमारी बात ना सुने और जो यहाँ की परेशानी सबसे पूछे भाई, ऐसी सरकार को हम चुनना चाहेंगे। अभी सरकार ने योजनाओं का भी लाभ क्या महिलाएं उनको लाभ है? अब महिलाओं को तो देखिए, सब महिलाओं को तो लाभ नहीं है, है ना, ऐसे जो भाई उन्होंने ऐसी महिलाओं को लाभ दे रहे हैं जो कि निम्न नीचे उस वर्ग की, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि जिसमें महिलाओं का सबका विकास लेके चले। बुजुर्ग आदमी है, काफी बुद्धिजीवी है, काफी आपने उतार चढ़ाव चुनाव देखे है, चुनाव का शोर थमने वाला है, 17 को मतदान होने वाला, आप किस पे भरोसा करेंगे, कैसे कैंडिडेट पे भरोसा करेंगे? जिसकी सरकार चल रही है उसके पे भरोसा करेंगे, जिसकी सरकार चल रही है उसके भरोसा करेंगे। हाँ देखिए अभी 800 से चौहान भी खड़े है, वो भी भाजपा की है। हाँ हाँ देखते अभी थोड़ा सोच के चलवानी तरफ बता क्या क्या लगता है, देखो कौन किस पे भरोसा करने जा रहे हो, तुम लोग किसके पक्ष में मतदान करोगे, किस आदमी चाहिए आपको? जो विकास कराएगा उसको मतदान देंगे, विकास विकास जो कराएगा उसको मतदान। अभी
चार लोग खड़े हैं, अर्चना सिद्धू खड़ी है भाजपा से, अभी दो दिन का टाइम है, उसके बाद सोच के हम मतदान करेंगे। क्या मानते हैं वंशवाद जो है, जो पिताजी थे तरुण बच्चों उसी की राह पे चले, कई नए बच्चे आए जा रहे हैं, तो भरोसा करोगे, क्या सोच के करोगे? हम तो चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा हो जो अपने क्षेत्र का, जो क्षेत्र में जो समस्या है उस पर ध्यान देके क्षेत्र का समस्या खत्म करे, बेरोजगारी जो युवाओं में ज्यादा बेरोजगारी है बेरोजगारी तरफ ध्यान दे, और गरीब लोगों का और जो जगह पर जैसा जो समस्या है लोगों की, वो समस्या पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और क्षेत्र का विकास हो। बेरोजगार जो युवा बेरोजगार है उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए, किसानों की समस्या है और देश का प्रदेश का विकास हो, तो विकास करने वाली सरकार चाहिए, विकास करने वाली सरकार चाहिए, इनका ऐसा मानना है। क्या सोच के भरोसा करेंगे? हम यह सोच के भरोसा करेंगे कि जो रामपुर का विकास करेंगे और रामपुर के अंदर 5 साल विकास रुके हुए और विकास फिर से ना रुके, हम ऐसे कैंडिडेट को पसंद करेंगे जैसे अर्चना चिटनी की है, जिन्होंने पहले बहुत कुछ काम किया है और वो आगे भी करेंगे। क्या कितने भरोसा करते, कैसे कैंडिडेट को भरोसा करते हैं? अभी 4 लोग 3 लोग खड़े हैं, कांग्रेस से अर्चना चिटनी है, निर्दलीय से हर्षवर्धन सिंह चौहान है और एएम से नवीन मंसा खान है, कांग्रेस से सुनील सिंह शेरा, कैसे आदमी भरोसा करते? नतीश भैया क्यों ऐसा क्यों, वो तो नए सरकार बन नहीं सकती, फिर भी उसमें इन पर सबको तो भरोसा करके देख लिया सर। अच्छा, इसमें इस बार भरोसा नहीं आ रहा है, अब नया कुछ चेंज होना चाहिए पार्टी के अंदर, सबको तो आजमा लिए, इनका मानना है कि नया भी कोई चेंज होना चाहिए, ये प्रयास कर रहे हैं अभी। बुरहानपुर के लोग विधानसभा में मतदान करने के लिए अभी भी चुप्पी साध के बैठे, टूटना नहीं चाहते, हर किसी के जबान पे यही है कि समय आने पे सबको बता देंगे किसके तरफ मतदान होगा और परिणाम जो आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि परिणाम किसके पक्ष में जा रहे हैं और पब्लिक का व्यू किधर है। अशोक सोनी, MP तक, बुरहानपुर।